निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के मुरादाबाद पहुंचने पर निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद मुरादाबाद के पंचायत भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और कार्यक्रम को संबोधित किया। पंचायत भवन सभागार में निषाद पार्टी की ओर से एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे। मीडिया से रूबरू होते हुए निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा कि उन्होंने समीक्षा की और लोगों से जानकारी प्राप्त की कि 90% मछुआरों को मत्स्य विभाग की ओर से योजनाओं का लाभ प्राप्त हो रहा है और इसके लिए उन्होंने अधिकारियों का भी आभार व्यक्त किया है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को लाभ प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न हो रही है। फॉर्म जमा करने के लिए एक ऐसा पोर्टल तैयार कराया गया है जो मोबाइल पर खुल जाए और ग्रामीण इलाकों के लोग घर बैठे अपने फॉर्म पर भर सके। इसी के लिए आज ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है ताकि शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत यहाँ पर उपस्थित लोग ब्लॉकों में मीटिंग कर ग्रामीण इलाकों में मीटिंग कर पात्र जरूरतमंद लोगों तक जानकारियां पहुंचाकर उन्हें लाभ दिलाने का कार्य करें। ये मुरादाबाद के कार्यकर्ता, मुरादाबाद मंडल के, बरेली मंडल के, मेरठ मंडल के और हमारे सहारनपुर मंडल के, ये सारे मंडल के जितने बड़े पदाधिकारी हैं, ये सब पदाधिकारियों का आज इस जोन का जो पश्चिमी जोन है, हमने पूरे प्रदेश को 4 जोनों में बांट रखा है। 4 जोनों में से हमने 2 पार्ट किया है, अभी हमने इधर आगरा में किया था, यहाँ है। तो ये कार्यकर्ता किसी भी पार्टी के प्राण होते हैं, यही रीढ़ की हड्डी होते हैं, यही खड़ा और बड़ा करते हैं। तो कार्यकर्ता ही प्रण करते हैं और प्रण करते हैं, प्राण हैं, तो इनके साथ पार्टी को इनका हाल चाल लेना, इनको धन्यवाद देना, 9 साल बेमिसाल मोदी सरकार के, 9 साल बेमिसाल निषाद पार्टी को भी, 9 साल बेमिसाल इनके माध्यम से हम इन्हें बता रहा हूँ कि आप जाके गांव में आए, 9 साल से टोपी झंडा नारा लगाए और जय निषाद राज का नारा लगाए, केवट मल्लाभ बिंद कश्यप कहाँ दीवर रैकवार बाथम को इकट्ठा किए, उन्हें जय निषाद राज के किले पर पहुँचाए, तो उसके बदले में क्या पाए? आखिर हमको एक होने से तुरहा के जितने भी उपजातियाँ थी, मझवार की, तुरहा की, वो सारी उपजातियों को एक होने से और इनके साथ और जातियाँ जो थी उपेक्षित उनको एक करने से हमें क्या फ़ायदा मिला, वही बताने के लिए कि 9 साल में बड़े बड़े काम हुए। मोदी जी ने दुनिया में अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पर लाया और आज G20 का नेतृत्व है, मकान है, इलाज है और खाद्यान्न है, ऐसे बड़े बड़े हैं बिना भेदभाव के हर सेक्टर में। निषाद पार्टी के 9 साल बेमिसाल हैं कि निषाद राज के किले को पर्यटक स्थल घोषित कराया, 20 करोड़ 38 लाख से निषाद राज का ऑडिटोरियम बन रहा, भगवान राम और निषाद राज के गले लगी मूर्ति लग रही है, जंगल से मंगल है। आज के दिन में इनके आरक्षण के मुद्दे जो थे कि कभी ये तुरहा के लिए जाते थे तो डंडे खाते थे, मझवार मांगने जाते डंडे खाते थे, आज पिछली सरकारों ने 7 जून 2015 को हम लोगों पर फर्जी केस लगाया और हम लोगों को सुबह आंदोलन दिवस मनाया। आज मोदी हैं जो हमें बुलाते हैं और ज्ञापन पर विचार करते हैं, माननीय योगी मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा साहब, योगी जी हैं। तो आज उन्होंने क्या किया इनके माध्यम से बता रहे हैं कि 7 जून 2015 को हम लोगों ने एक रेल आंदोलन किया था जिसपे से हमारे ढेर सारे साथियों को फर्जी केसों में डाला, एक भाई मेरा मारा गया था। आज उसे हम आंदोलन दिवस के मनाते हैं और इनको बता रहा हूँ कि 17 दिसंबर 2021 को लखनऊ में रमा देवी पार्क में लाखों लोग आए थे और सीमांचल के लोग भी गए थे, उसमें योगी जी ने वादा किया था, मोदी जी ने, अमित शाह जी आए थे और 18 तारीख को माननीय योगी जी ने हमसे पत्र लिया, 20 तारीख को योगी जी ने केंद्र सरकार के RGI को लिखा कि भाई डॉक्टर संजय कहते केवट मल्ला मझवार हैं, ये अनुसूचित जात के हकदार हैं, कश्यप कहाँ तुरहा हैं, ये अनुसूचित जात के हकदार हैं, ये सेंसस मैनुअल 1961 में इनकी गिनती हुई थी, 60 लाख थे, 70 लाख थे, आज 7 हज़ार हैं, तो ये मामला इनका क्या है, इनको दिशा निर्देश है। RGI ने पहली बार एक्सेप्ट किया 70 साल में हमारी लड़ाई का देना कि उसने 18 जनवरी 2022 को एक पत्र उन्होंने जारी किया इसके लिए कि भाई केवल जो डॉक्टर संजय ने पत्र दिया वो सही है, हमारे यहाँ सेंसस मैनुअल में अनुसूचित जाति की जो गणना होती थी उसमें प्रिंटेड है और यह सामाजिक न्याय मंत्रालय का मामला। मैं इतने कहना चाहता हूँ इन लोगों को कि आज के दिन में इनका आरक्षण मुद्दा है, विरोधी जो है वो उसको ट्रोल कराता है कि तुम्हारा आरक्षण कहाँ गया, क्या किए क्या नहीं किए, तो आज के दिन में ये आज इनको बता रहे हैं कि आरक्षण आज निर्णायक दौर पर है, एक समय हम डंडे खाते थे, आज एक समय है कि मोदी जी गले लगाते हैं। दूसरा, हम आज के दिन में इन्होंने जो काम किया कि मत्स्य विभाग में पिछली सरकारों से पूरे 67 साल में केवल 3000 करोड़ रुपया दिया था, 18% हमारी मछुआरों का आबादी देश में है जिसमें हमें केवल 3000 करोड़ मिला, 40 करोड़ एक साल का,
आज के दिन में हमारे प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा, 13 जनवरी 2013 को मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया और संकल्प लिया, उसकी देन है कि केंद्र में मत्स्य मंत्रालय लगवा, 26,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने पूरे देश के मछुआरों को दिया। उत्तर प्रदेश में भी आज के दिन में है कि हमने आज के दिन में इनको भी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में है। इनको बताने आया हूँ कि इससे पहले 10 पैसा भी नहीं मिलता था, लेकिन आज ही 1 करोड़ की मिल इन्हें मिली हुई है। और क्या नाम है इसका, मनोज नाम है, मनोज नाम से है, 1 करोड़ की मिल मनोज कश्यप को मिली है, जिसमें हम 60 लाख सब्सिडी, ये पहली किस्त मिल। ऐसे हम गांव में भी इंडस्ट्री लगा रहे हैं इनके, ऐसे ही हम 15,000 लाभार्थी को इस बार चॉइस किए थे, जिसमें 14,500 मछुआ समुदाय के हैं। तो हम गर्व से कह सकते हैं कि आज के मुख्यमंत्री संपदा योजना में हम पट्टेधारकों को दे रहे हैं, निषाद राज बोट योजना में 2,000 नाए दे रहे हैं, तीसरा मछुआ कल्याण कोष की स्थापना की, जिसको मैं बताने आया हूँ कि हम अपने विभाग के द्वारा ये पोर्टल खोला गया है, शिक्षण प्रशिक्षण हो रहा है, पहले ज्ञान चाहिए फिर अनुदान चाहिए फिर इनका विकास की मुद्रा आएगा।